इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश, यानी तीन आसान जो स्टेप्स है इंग्लिश सीखने के लिए। तो बात करेंगे आज इसी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे स्टेप नंबर वन के ऊपर। जो स्टेप नंबर वन है, यानी यहाँ पर जो आपके सामने डिस्प्ले होगा यहाँ पे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें आपको ये सब चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए नाउन, यानी नाम पदा, और इसमें जो टाइप्स ऑफ नाउन है इसके बारे में तो पहले मेरा वीडियोस है, आप उसको देख सकते हो और उसको रेफ़र कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे नाउन के अंदर आपको जेंडर्स, यानी जो पुरुष लिंग स्त्रीलिंग वगैरह जो हम जो बोलते हैं, तो वो आपको उसमें मतलब कैसे बोलना चाहिए वो आपको याद रखना है। फिर नंबर्स में भी मैंने पहले भी बात किया था, यानी सिंगुलर प्लूरल नंबर्स के बारे में। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे प्रोनाउन, यानी सर्वनामा, इसमें फिर काइंड सा प्रोनाउन भी आता है इसमें, और आर्टिकल के बारे में आपको मतलब ध्यान देना है यहाँ पे। और तीसरा है यहाँ पे एडजेक्टिव, यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी बात करना यहाँ पे। और जो चौथा या तो फोर्थ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है वर्ब। आपको वर्ब थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे प्रेजेंट वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे तो वर्ब को देखना बहुत ज़रूरी होता। और इसमें देखिए यहाँ पे स्ट्रांग और वीक वर्ब भी है, फिर प्रेजेंट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल, जैसा मैंने अभी कहा आपको। तो ये वर्ब के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता दोस्तों, इसलिए आपको वर्ब को बार बार देख लीजिए, यानी क्रियापद, वर्ब यानी क्रियापद हम जो बोलते हैं हिंदी में। और उसके अलावा यहाँ पे एडवर्ब का आपको देखना है यहाँ पे, यानी उसमें जो है यानी क्रिया विशेषण बोल सकते हैं हम लोग उसको। और उसमें काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, यानी इसमें भी टाइप्स ऑफ एडवर्ब आता है यहाँ पे, तो आप इसको भी आप देखना है। और उसके अलावा प्रपोजिशंस और काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, ये आसान है, बहुत बिल्कुल आसान है। अगर आप इसको पहले का मेरा वीडियो अगर आप देख लीजिए तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने कवर किया। और उसके अलावा यहाँ पे जो सेवेंथ वन जो है कंजंक्शन, यानी सातवां जो है कंजंक्शन, यानी ज्वाइन करने के लिए, सो क्लासेस ऑफ कंजंक्शंस, इसमें कंजंक्शन के अंदर कितने टाइप क्लासेस होता है। बेसिकली कंजंक्शन जो है मतलब एक वर्ड टू दूसरे वर्ड को ज्वाइन करना, या एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस को ज्वाइन करना। तो इसलिए दोस्तों कंजंक्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम सेंटेंस बड़े बड़े सेंटेंस हम जो बनाते हैं, या लॉन्ग जो पैराग्राफ जैसा हम जो कुछ लिखते हैं, तो उसके लिए आपको उसको जोड़ना कैसा चाहिए, इसके लिए आपको सीखना पड़ता कंजंक्शन। और दोस्तों लास्ट जो है यानी आठवां जो है इंटरजेक्शन जो है बहुत आसान है। बेसिकली जो हम कहते हैं इसको भावसूचक वाक्य जो कह सकते हैं हिंदी में इसको, तो बेसिकली ये जो कम यूज़ करते हैं, बेसिकली मतलब जब भी हम कुछ अपने बारे में या कुछ दूसरों के बारे में कुछ सडन फीलिंग के बारे में बताना है या कुछ स्ट्रांग फीलिंग के बारे में बताना है, तो तब वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इंटरजेक्शन। इसके बारे में मैंने वीडियो के अंदर है, पहले वीडियो के अंदर आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों ये है स्टेप नंबर वन, यानी आपको सबसे पहले आपको जो सीखना है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला एक्चुअली, ये हार्डली एक आपको दो या तीन दिन के अंदर आप ये पूरा ख़त्म कर सकते हैं विथ कंप्लीट एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों अभी स्टेप नंबर टू की तरफ से जाएंगे, तो देखेंगे स्टेप नंबर टू में क्या है यहाँ पे। तो स्टेप नंबर टू जो है यहाँ पे टेंस के बारे में आपको सुनना है, टेंस के बारे में आपको पढ़ना है, यानी टेंस के बारे में आपको परफेक्ट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में यानी वर्तमान काल के बारे में आपको पढ़ना है, और इसमें फिर इसमें टाइप्स है यानी सिंपल टेंस है, फिर कंटिन्यू है, और इसके अंदर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। यानी चारों में यानी तीनों में चार चार मतलब जो भाग होते हैं इसमें। और सिमिलरली पास्ट टेंस यानी भूतकाल के बारे में आपको पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर क्या कहा था वहाँ पर वो भी आपको देखना है। उसके लिए आपको पहले मेरा वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया पूरी इन चीज़ों के बारे में। और लास्ट जो है यहाँ पे यानी फ्यूचर टेंस के बारे में, तो ये है भविष्यत काल, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी बात किया पहले वीडियो के अंदर, आप उसको देख सकते हो। बहुत आसान है अगर आप जैसा मैंने पहले कहा था स्ट्रक्चर अगर आप याद करते हो या स्ट्रक्चर सही मायने में आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और उसके अलावा आपको ये तीनों टेंस के ऊपर यानी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अगर प्रेजेंट सिंपल के अंदर यानी पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसमें नेगेटिव कैसे बनाते हैं उसको, या तो उसको इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक कैसे बनाते हैं उसको, तो ये सारे चीज़ों भी आपको देखना है दोस्तों। तो ये है स्टेप नंबर टू का, और स्टेप नंबर टू में ज़्यादा आपको ध्यान देना है पूरे के पूरे टेंस के ऊपर देना है। अगर आप टेंस के ऊपर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको जो भी सेंटेंस बनाना है या बात करनी है आपको बहुत आसान होगा। दोस्तों स्टेप नंबर थ्री जो है क्वेश्चन फॉर्म्स, क्वेश्चन बहुत यानी जो प्रश्न हम जो पूछते हैं, तो अगर आप सही मायने में प्रश्न पूछते हो तो उसका जवाब कुछ ना कुछ मिल जाता है।
ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रश्न पूछना यानी सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश के अंदर सवाल कैसे पूछना चाहिए, मतलब प्रेजेंट सिंपल है तो कैसे करना चाहिए, अगर पास्ट सिंपल रहा तो कैसे करना चाहिए, अगर फ्यूचर में अगर पूछना है आपको क्वेश्चन तो वो कैसे करना चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो मैंने बताया यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन बोल के, यानी वाट वेयर वैन ऐसा कुछ क्वेश्चन है, और उसके अलावा डू डिड डन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, या तो कैन कुड के ऊपर कैसे सवाल पूछना, या शैल विल के ऊपर कैसे सवाल पूछना, या मे वर्सेस माइट के ऊपर कैसे सवाल पूछना, या मस्ट वर्सेस शुड के अंदर कैसे सवाल पूछना। तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने पहले वीडियो के अंदर बात किया, आप उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आप मतलब ये जो क्वेश्चन जो फॉर्म्स हैं तो इसमें आपको जो भी डाउट वगैरह जो है वो आपको नहीं रहने वाला। तो दोस्तों ये जो तीन स्टेप्स है, तो आपको ये तीन स्टेप्स अगर आप सही मायने पढ़ते हो तो ये हार्डली कितना एक कम से कम एक एक वीक के अंदर यानी एक हफ्ते के अंदर आप एक पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो यानी आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको मतलब महीने भर या साल भर आपको टाइम वेस्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 7 दिन के अंदर आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको पूरे मन से जो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप पढ़ते हो तो ये आप हासिल कर सकते हो। यानी इंग्लिश में बात करना या इंग्लिश में लिखना ये सारी चीज़ आप हासिल कर सकते हो। तो इसके दोस्तों अब तक के लिए ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, तो आगे मेरा ऐसा ही वीडियो आएगा और उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।